प्राचीन शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर में मासिक मां बंगलामुखी कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन महंत हरिरामदास पंडित संजय बेदवाल की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम प्राचीन शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर के आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया और फिर प्राचीन शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर के संचालक महंत हरिरामदास पंडित संजय बेदवाल ने अग्नि प्रज्वलित कर उपस्थित भक्तों से आहुतियां डलवाई और इस महायज्ञ में पहुंचे भक्तों को बधाई दी एवं बताया कि प्राचीन शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर में मासिक मां बंगलामुखी कष्ट निवारण महायज्ञ हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। आप सब परिवार सहित पहुंचकर मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर की खुशियों की कामना करें। महायज्ञ के उपरांत प्रसाद रूपी भंडारा भी वितरित किया गया। इस मौके पर रिपू सूदन सिंह, श्याम रामदुलारे, मोहित बहल, रोहित वर्मा, रोहित बहल, सोनू डडवाल, हनुमंत शरण तिवारी, आलोक तिवारी, राकेश महाजन, पंडित मुन्ना, उमेश तिवारी, अवधेश यादव, गीता बहल, रीना वर्मा, मधु वर्मा, लीना महाजन, तुषार महाजन, प्रिया बहारी, आशीष बहारी, ममता तिवारी, रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जयकारा बगलामुखी माई जी का बहुत सच्ची दरबार की जय। मेरी माई सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। मैं महंत हरिरामदास उर्फ पंडित संजय बेदवाल श्री विद्या बगलामुखी साधक शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर यह स्थान वैष्णव विरक्त मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर माँ पीताम्बरा बगलामुखी के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी, दक्षिणेश्वर काली माई और बाबा भैरव के साथ शनि देव जी की अचल विग्रह स्थापित है। पूर्वतः महाराज जी का के सानिध्य में यहाँ पर राम दरबार, कृष्ण दरबार, विष्णु दरबार आदि बनाए गए थे, इनकी स्थापना की गई थी। इस स्थान पर दूर दराज से, दूर दूर से साधु संत महात्मा आते हैं और रात्रि विश्राम के साथ साथ उनकी यहाँ पर उचित व्यवस्था की जाती है। अमृतसर पिंजरा पोल गौशाला की ओर से गो सेवा का संकल्प अभियान का शुभारंभ फोकल पॉइंट स्थित गौशाला परिसर में किया गया। इस अवसर पर दानी सज्जनों द्वारा पूजा अर्चना के बाद गो संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आए हुए लोगों द्वारा कुल 5 गायों की खुराक की जिम्मेदारी ली गई। तो वहीं इस मौके पर गो सेवा लेने वाले संजीव महाजन, दिनेश बाबा और संजीव अग्रवाल ने कहा कि गो माता की सेवा करने मात्र से ही इन सभी की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। एक गो माता की खुराक का खर्च प्रतिदिन 70 रुपयों के हिसाब से केवल 2100 रुपए प्रति माह है, जो कि प्रत्येक परिवार बड़ी ही आसानी से गो सेवा के लिए दे सकता है व नियमित गौशाला में देकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से गो सेवा का संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील भी की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश बाबा है जी, मैं बसंत अभिनीत हूँ। इस तरह साढ़े शास्त्रा च लिखे है कि गौ माता भी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, कि जिन्हें गौं सरकार के जिन्हें गौं चल दिया ने उन्होंने इतने लिया कि बहुत ही अच्छा काम किया गया है और अज परमात्मा की असीम कृपा के नाल सानू सौभाग्य प्राप्त होया कि असी भी इस यज्ञ में अपना योगदान पा सकी। अभी सारे भरा यक्ष अपना योगदान पा रहे हैं। मैं अपने वालों सारों सारे जिन्हें इंडस्ट्री जो होर बंदे है यार दो साढ़े भैन भरा है, मैं चाहता कि वह भी आ गए, कोई ना कोई बंदा इतने आ गए एक एक गाँव अडोप्ट करे जिसे सारों सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। हजरत पीर साईं चमन शाह जी का 11वां मेला बैंक इनक्लेव जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं मेले में दुनिया भर के मशहूर कव्वालों ने भाग लिया, जिसमें सबसे पहले सरदार अली, विनीत खान एंड पार्टी, मोनू खान एंड पार्टी और बंटी कव्वाल मुख्य रूप से शामिल रहे। तो वहीं मेले में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता और अनुसूचित जाति कमीशन के अध्यक्ष विजय सांपला शामिल हुए।
मेले में सभी केजीएन वेलफेयर सोसाइटी के लोग अच्छी और एक जैसी ड्रेस में अपने परिवारों सहित शामिल हुए। वहीं मेले की रौनक को बढ़ाने के लिए एहतेशाम चिश्ती शाहना बाबा जो कि अजमेर शरीफ से पधारे, उन्होंने मेले में आने वाले तकरीबन 3500 लोगों को आशीर्वाद दिया और सारी संगत को लंगर की सेवा का मौका भी दिया। ये मेला दोपहर 2 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया गया और बाद में प्रसाद भी बांटा गया। इस मेले में सभी से अपील की गई थी कि लोग नशों से दूर रहें और अपने गुरु पीर के साथ उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहें। गौरतलब रहे कि ये मेला हर वर्ष 25 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अज बाबा चमने शाह जी का 11वां जिहड़ा मेला जिहड़ा करवाया, जोड़ मेला करवाया जा रहा, और इत्थे हर साल असीं देखते हैं कि पहले नालों जिहड़ी संगत वो दुगुणी हुंदी जांदी है, और इत्थे जिन्ने भी आए वो हमेशा शरदा दे नाल आए, और जिन्ने भी समाज दे इक जिहड़ी क्रीम हुंदी है वो सारी इत्थे आउंदी है और आ के सजदा भी करदी, उन्हां नूं नमस्कार नतमस्तक भी हुंदी है, और अपने जिहड़ियां उन्होंने दुआवां जदों पूरियां होंदियां तो नैचुरली उन्हां दा सुभाविक है कि वो होर जुड़ाव उन्हां दा लगता है। और मैं पिछले 10-11 सालों तो जदों दा शुरू होया उदों तो मैं इस जगह नाल जुड़िया है, और मैं हर साल देख रहा कि इहदी रौनक जिहड़ी वधदी जा रही है, लोगों का विश्वास वधदा जा रहा, और लोगों का विश्वास उदों ही वधदा जदों उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाई देता है। सो एक जिहड़ा बहुत अच्छा एक मेला हर तरह हर साल हुंदा, और शांतमई जिहड़े लोग आते हैं श्रद्धा के नाल आते और सुनते हैं, एक बहुत वड्डी गल है। सो मैं आयोजकों के लिए भी अरदास बेनती करांगा कि परमात्मा इन्हां नूं भी जिहड़ी चढ़दी कला च रखे ता कि ये होर सेवा करते रहन, और जिहड़ा समाज के लोग जिहड़े आ उन्हां नूं उस तरह इस धर्म के नाल जोड़ते हुए समाज की सेवा करते रहन। बहुत सत्कारयोग साईं चमन शाह जी के 11वें उस दे सारी संगत नूं, सारे हिंदुस्तान वासियों को हार्दिक शुभकामनावां वधाइयां दिंदे हां कि हर साल इस तरह साडी इह सोसाइटी साडी सेवादार जिहड़े साईं चमन शाह जी दी शरण दे विच आउंदे ने ते खुशियां लैके जांदे ने। जय भीम, जय भारत, जय मस्तां दी, जय साईयां दी। बहुत ही विशाल हर साल दी तरह केजन वेलफेयर ट्रस्ट वल्लों जिहड़ा साईं चमन शाह जी दा उर्स कराया जांदा, मेला कराया जांदा, बहुत धूमधाम नाल कराया गया, जिहदे विच मुख्य तौर दे उत्ते केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व एससी कमीशन चेयरमैन भारत सरकार विजय सांपला जी पहुँच के उन्होंने साईं चमन शाह का आशीर्वाद लिया और संगतों का आशीर्वाद लिया। असं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ केजन वेलफेयर ट्रस्ट वालों, दैनिक सवेरा का और आई हुई सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेला हर साल तरह 11वां मेला है, और इस मेले के जिन्ना भी साडा ट्रस्ट है केजन वेलफेयर ट्रस्ट है वो नशा रहित है और लोग भलाई के लोग सेवा के इंट्रस्ट काम कर रहा है, और असी परमात्मा अगे साईं जी अगे अरदास बेनती करते हैं कि जिहड़ा मेला इतनी होर वधे और होर संगत जुड़े और संगत सच दे सच्चाई दे रास्ते चले। जय साईं जी दी, जय साईं चमन शाह जी। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुनीत भाटिया और डिंपल भाटिया ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया।
इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों को का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुनीत भाटिया जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल भाटिया जी, जो कि स्वयं ही आर्य समाज की प्रमुख भूमिका में है, और इनका जो कार्यभार है, जो इन्होंने निष्ठापूर्वक इस आर्य समाज की सेवा की है, उसी का नतीजा है कि हम सभी इनके इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सभी शामिल हैं। बहुत से इनके बाई प्रोफेशन सीएस हमारे बीच में आए हैं, सोसाइटी के कुछ नए सदस्य हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी का इस आर्य समाज के मंच की तरफ से बहुत ही भव्य स्वागत करता हूं। आज हम सभी ने मिलकर के विशेष साप्ताहिक लंच का जो आयोजन है, जो पिछले कई वर्षों से हमारा प्रयास रहता कि हर रविवार नया दंपति परिवार यहाँ पर बैठे आकर के, बीच में ये भी विचार रखा हुआ है कि जिस दिन जिसका जन्मदिन आज उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी, उस कड़ी को जोड़ते हुए आज टिप्पल भाटिया जी ने अपना जन्म दिवस इस पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर बैठ करके सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म किया। यज्ञ देवता खाते भी हैं और हमें उसका लाभ भी देते हैं। किसी को भी कुछ खिलाओ खाएगा नहीं, वही अगर प्रसाद के रूप में कुछ किसी को खिला रहे हैं तो अगर वो खा सकता तो ठीक है, जिसके पेट पे नहीं जाएगा, जहाँ पड़ा रहेगा वो सड़ जाएगा। लेकिन यज्ञ ऐसी है कि यज्ञ के ऊपर जो भी पदार्थ डालोगे आपको उसका लाभ ही मिलेगा। नारायण मंदिर सभा टांडा रोड जालंधर की ओर से महंत श्री अशोक गौतम दास जी के आशीर्वाद से शिव परिवार मूर्ति स्थापना को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव परिवार की मूर्तियों को पालकी में विराजमान कर इलाके की परिक्रमा करवाई गई। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर किशन लाल शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर रामपाल बांसल, राजू शर्मा, दीपक बांसल, राजेंद्र कत्याल, सुरेश बांसल, राजीव बांसल, रमन होंडा, रमेश शर्मा, विवेक बांसल, सुनील अग्रवाल, वर्षा, कमला गौतम, ज्योति, नीतू शर्मा, राजेश स्वराज, पीयूष, विपन शर्मा, कविता, पंकज सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आज है शिव परिवार, जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, उनकी विग्रह स्थापित होने जा रही है। आज उनके निमित्तार्थ शोभा यात्रा को शुभारम्भ 1 बजे किया जाएगा, और सत्यनारायण मंदिर की कमेटी सभा की तरफ से मूर्तियों का जनी के उत्सव मनाया जा रहा है। समस्त संगत, समस्त टांडा रोड निवासी प्राचीन मंदिर से सब संबंधित हैं, और जो भक्तगण हैं वो इसकी शिव परिवार की 10 बजे प्राण प्रतिष्ठा की पूर्णोति हो जाएगी। आज बड़ी खुशी की गल है
कि अज इस मंदिर दे विच मूर्ति स्थापना भी हो रही है और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। संत साडे जिन्हां दे मार्गदर्शन राही मैं हमेशा इस समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहा हाँ। अज तां हुण पूरा भारत देश राममय 22 जनवरी नूं होया है क्योंकि जगह जगह ऐसे आयोजन हुए है और मैं यही गल कहना चाहना कि अज जिहड़ी पंजाब की धरती है अज उस महान क्रांतिकारी वीर लाला लाजपत राय जी का भी जन्म दिहाड़ा है। अज पंजाब की जिहड़ी धरती है भगवान वाल्मीकि महाराज जी की तपोभूमि है जिथे छोटे छोटे बच्चे भी नीहां च चनाए गए धर्म की खातर आपां शोभा यात्रा भी कढ़दे हाँ मूर्ति स्थापना भी होनी है पर आपां देखिए अज साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है अपने रस्ते तो भटक रही है। सुशील कुमार सैनी उर्फ बब्बल पहलवान की धर्मपत्नी अंजू सैनी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अंजू सैनी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर सांसद सुशील रिंकू, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व पार्षद दविंदर सिंह रोनी, सिमरोनी कौर, जिमी कालिया, राजेश बागा, चंदन गरेवाल, विपन सब्रवाल सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती अंजू सैनी को श्रद्धांजलि भेंट की। पंजाबी विच कहंदे केड़ी नजर लगे हुणी हाले गल करदे सी पंडित जी मलहोत्रा बंटी जी बहना उठना बड़ा एक प्यार वीरबैक देते सैनी साहब एक जिंदगी की गल याद रखना यह भजन भुजन बोलने की मामूली गल है ये जनानियां भी बोल लेंदी है। एक गरुड़ पुराण की कथा मल्होत्रा साहब बड़े ज्ञानवान है बेटा देखो कनेडा दे विच अगर तरक्की यश कीर्ति पुत्र को प्राप्त कीती है ना पिता दे सिर ते नहीं एक गरुड़ पुराण कहिंदा है पिता दा हक 10 गुना है ते मां दा हक बेटे दे 100 गुना है। मां दे एक एक दोधे कतरे दा त्रिण जेड़ा बेटा ओ भी 7 जन्मां दे विच उतार नहीं सकदा अज ओ तैनूं यश केड़ा है प्राप्त हो सोने दा मां सोने दा जागे दा प्रकाश है गंगा जल जैसा कोई जल नहीं और मां जैसा किसी के पास दिल नहीं है। बच्चिया उम्र कौन दिंदी है मां दिंदी है पिता उम्र नहीं दिंदा पिता दे कहिंदा बच्चा मेरा अगे वधे मां बच्चे नूं अपनी उम्र दिंदी किस तरह दिंदी है जो बच्चा छोटा हुंदा रिड़दा है ते मां मां दे आगे गले लगदा ते मां की कहिंदी जा तैनूं मेरी भी उम्र लग जाए। अज बच्चियां कोल पुछ के देखो फूलावंती दुआ जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजी हैं उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय फूलावंती दुआ की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता विजय सांपला, मोहिंदर भगत, रमेश मित्तल, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मोहित तिवारी, राजेश शर्मा, राजेश अग्रवाल, दिनेश शर्मा, नरेश मल्होत्रा, जितेंद्र अरोड़ा, अनुराग अग्रवाल, दिनेश कमल, भूपेंद्र पाल सिंह खालसा, आप नेता सुरेंद्र सिंह सोडी, दीवान अमित अरोड़ा, भूपेंद्र मल्होत्रा, महेंद्र सिंह केपी, सरबजीत सिंह मक्कड़, अमरजीत सिंह अमरी,
एमपी सिंह, बलराज ठाकुर, इंद्रजीत सिंह मरवाहा, मोहिंदर जीत सिंह, डॉक्टर शिव दयाल माली, मिंटू जुनेजा, सुरेश शर्मा, जगदीश पसरीचा, जगमोहन पसरीचा, अर्जुन त्रिहन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय फूलावंती दुआ को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रभु के भक्तों, बहुत ही दुख की घड़ी आज हमारे बीच हमारी माता जी श्रीमती फूलावंती जी 16 तारीख को अपनी संसार की यात्रा को पूरे करते हुए प्रभु चरणों में जा विराजी। माँ, एक छोटा सा शब्द पर इसकी पावर कितनी है, इसकी शक्ति कितनी है आप जानते हैं। बिना माँ के ये संसार नहीं चल सकता। माँ ने 3 बेटों को जन्म दिया, 3 बेटे, एक बेटे जो हैं पहले ही प्रभु के चरणों में जा विराजे, 2 हमारे भाई यहाँ पर विराजमान हैं, यश दुआ जी और हमारे गुलशन दुआ जी, दोनों यहाँ आपके सामने विराजमान हैं। समय कम मिला है, आपने सुना होगा इन दिनों में राम राम के जयकारे लग रहे थे, चारों तरफ भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे थे। भगवान राम और लक्ष्मण की कैसे जोड़ी है, ये दोनों भाई भी वैसे ही हैं, इनके माता पिता ने इनको ऐसे संस्कार दिए। एक मंदिर को अलग से चलाते हैं, रामा मंदिर सोसाइटी, दूसरा मंदिर ये गीता मंदिर, जहाँ पर ये कभी भी इनकार नहीं करते, जो भी हम बोलते हैं वो ये आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारा जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरी करती हैं। माता हमारी हमेशा इस मंदिर के प्रांगण में माथा टेकने आती, यहाँ पर आके हमें भी आशीर्वाद देती, हम उनको मिस करते हैं, हमेशा ही उनको याद रखेंगे। माता नु सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपनी टाइम समय कम है, माता पिता नु अपने गले लगाओ, उन्हां नु पूजो, सवेरे घरों निकलन तो पहला एक करी अपनी माता नु अपने पिता नु जरूर हक करके आया करो, जफ्फी पा के आया करो, पैरां नु हाथ ला के आया करो, प्रभु तुहाडे घर आके तुहाडे सारे काम कर देगा। व्यास गति ते बैठे पंडित जी अज बहुत ही दुखी हिरदे दे नाल सारे बैठे ने, साडी माता फूलावंती जी अज साडे च नहीं रहे, और जिन्हां ने समाज विच इक अपना नाम बनाया और उन्हां दे नाम दे सदका ही अज उन्हां दे दोनों बेटे यश दुआ जी और गुलशन जी और उन्हां दी शिक्षा दे उत्ते चलण वाले जिहड़े धर्म दे उत्ते धार्मिक अध्यात्मिक भी गल भी करते, श्रद्धा भाव भी रखते, समाज की सेवा च भी अगे रहते, राजनीतिक जीवन च भी अपना जिहड़ा फर्ज निभा रहे हैं, ये सारे गुण जदों उदों ही आते जदों उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दिंदे मिलती है और माँ बाप को शिक्षा मिलती है। पर सब तो वड्डा रोल जिहड़ा माँ का होता है, माँ का सदका ही जिहड़े बेटे दे विच किहो जिहे उहदे च गुण ने, किहो जिहा उसका व्यवहार है समाज, ये बहुत वड्डा जिहड़ा दिन उहदी माँ का है। और ये फूलावंती जी जिहड़े उन्होंने एक अच्छे संस्कार दिते और उहदा संस्कार तो सदका ही है कि उन्होंने समाज में बेटियां ने भी जगह बनाई है, माता का भी जिहड़ा दस्सिया कि उन्होंने बहुत धार्मिक श्रद्धा सी, बेटे भी उन्होंने नाल लै के जाते और हर बार जो भी इन्हों का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता सी किसी ना किसी शोभा यात्रा या मैं निमंत्रण भी दोनों देन बेटे भी, क्योंकि वो हमेशा हर ऐसे कार्यक्रमों के अपनी संबोधित रहा। अज आप दोवां परिवार के प्रमुख माता जी जिन्हों का कुछ दिन पहला इंतकाल हो गया, उन्होंने अंतर रसमात आप सारे बैठे, मेरा इस परिवार के नाल बड़ा पुराना संबंध है। जो मैं छोटा हूँ अपने पिताजी आता हूँ सी दुआ बड़े दुआ साहब की दुकान के उत्ते जरूर जा, हालांकि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद भी हमेशा ही उन्होंने तो आशीर्वाद जरा प्राप्त करना और हमेशा मिलन साहब परिवार, उस तो बाद यश जी, गुलशन जी, इन्होंने अपने व्यवसायिक बहुत नाम कमाया और इन्होंने माता पिता का इन्होंने उत्ते पूरा आशीर्वाद बनया रहा और अज
ये समाज के बहुत प्रमुख परिवारों के दूआ परिवार है और ये ठीक है कि इस दुनिया के जिहड़ा भी इंसान प्राणी आता है उन्हें चले जाना जो आया सो चल सी सब को ही वारी 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 इतों सामने चले गए लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद जिहड़ा वो हमेशा ही साडे उत्ते बनिया रहिंदा साडा समाज ही इस तरह का कि असी पूर्वजों भी मनते हैं असी उन्हां दा आदर माण भी करते हैं और हमेशा ही जदों भी घर दे विच कोई प्रोग्राम होवे आम तौर पर कहा जाता वड्डे वडेरियां नूं मनाओ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर स्पेशल सेल की टीम ने दो अलग अलग मामलों में चार नशा तस्करों को किया काबू। 1.5 किलो अफीम, 100 नशीली गोलियां की बरामद। सुल्तानपुर लोधी में एनआरआई महिला की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, सास ससुर को किया गिरफ्तार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को किया काबू। 10 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, एक दातर किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।